नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा ऑटोमोबाइल बैटरीज में इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। इस वीडियो लेक्चर में हम बैटरी कैपेसिटी के बारे में, बैटरी के रेटिंग के बारे में, बैटरी लाइफ के बारे में और कौन से जो वो फैक्टर्स है जो बैटरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए इस वीडियो लेक्चर के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। परंतु दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर वो नहीं देखे हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो उसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ पर जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट बात करने वाले हैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में कि बैटरी कैपेसिटी जो है वो किसे डिफाइन किया जाता है, मीन्स कि हम किसे बैटरी कैपेसिटी कह सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी हैज़ बीन डिफाइंड बाई द अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन बी डिलीवर्ड बाई द ऑटोमोबाइल बैटरी, यानी कि जो ऑटोमोबाइल बैटरी है वो कितना करंट हमें डिलीवर कर पाती है उसके जो चार्ज स्टेट में होती है तब, तो उसे हम बैटरी कैपेसिटी कहेंगे। और बैटरी कैपेसिटी जो है वो इन चार फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहती है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है एरिया ऑफ प्लेट्स, यानी कि एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में जो है वो दिखाया गया है कि अगर आपको 40 से 60 एम्पियर चाहिए करंट किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में, यानी कि जो एरिया जिसके साथ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्टैक्ट में आएगा और उसके साथ केमिकली रिएक्ट करेगा, वो कितना होना चाहिए, 930 सेंटीमीटर स्क्वेयर जितना आपको मिनिमम एरिया चाहिए अगर आपको प्रोड्यूस करने हैं 40 to 60 एम्पियर ऑफ करंट। तो यहाँ पर ये जो एरिया दिखाया गया है वो प्लेट का सरफेस एरिया है जिसके साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉन्टैक्ट में आएगा और केमिकली रिएक्ट होगा और आपको करंट प्रोड्यूस करके देगा। वहीं पर अगर आपसे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो वहाँ पर आपको दिखाया गया है नंबर ऑफ प्लेट्स, यानी कि कितनी जो प्लेट्स है वो यूज़ की जाती है सेल में, उस पर भी जो है वो बैटरी कैपेसिटी डिपेंडेंट रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 वोल्ट की जो बैटरी है उसमें जो है वो 15, 17, 19 या फिर 21 प्लेट्स यूज़ की जाती है पर सेल। और वहीं पर हम बात करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी की, तो 12 वोल्ट की बैटरी में जनरली जो है वो 7, 9, 11 एंड 13 प्लेट्स जो है वो यूज़ की जाती है पर सेल, डिपेंडिंग अपॉन दी साइज़ ऑफ दी बैटरी, यानी कि जो बैटरी की कौन सी साइज़ है उसके ऊपर भी जो है वो प्लेट्स की संख्या डिपेंडेंट रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प्लेट्स की जो संख्या है वो ओड नंबर में है, यानी कि 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। परंतु दोस्तों, आपने पढ़ा था कि उस पर तो जो है वो दो प्लेट से काम चल जाता है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। तो अगर हम 6 सेल लेते हैं तो 6 सेल में तो 12 प्लेट्स होनी चाहिए, आपका ऐसा मानना होना चाहिए। परंतु दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे समझाता हूँ कि किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में मान लीजिए हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और उसके जो सेल है उसमें 7 प्लेट्स जो है वो कंजिस्ट करके, तो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा। यहाँ पर मैं आपसे 7 प्लेट दर्शाऊँ तो ऐसे कुछ आपको 7 प्लेट्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो एंड प्लेट्स होगी वो नेगेटिव प्लेट्स रखी जाएगी और बीच में जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव, फिर बाद में नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर बाद में नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसे जो है वो 7 प्लेट्स में से 3 प्लेट्स जो है वो पॉजिटिव होंगी और 4 प्लेट्स जो है वो नेगेटिव होंगी। यानी कि किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट इज़ 1 मोर देन दी पॉजिटिव प्लेट, यानी कि एक जो है वो ज़्यादा आपको नेगेटिव प्लेट देखने को मिलेगी मुकाबले पॉजिटिव प्लेट के। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो पॉजिटिव प्लेट का वर्किंग एरिया है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट जो है वो अगर हम यहाँ पर दो नेगेटिव प्लेट्स नहीं यूज़ कर पाते तो यहाँ पर जो वर्किंग जो पार्ट है, वर्किंग एरिया है, वो हमें इतना ही देखने को मिलेगा। अगर उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर हम नेगेटिव प्लेट्स को यूज़ कर लेते हैं तो पॉजिटिव प्लेट्स के जो दोनों साइड है वहाँ पर हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जो है वो केमिकली रिएक्ट होने की वजह से हमारी बैटरी जो है वो हमें ज़्यादा करंट आउटपुट दे पाएगी। वहीं पर अगर हम राइट हैंड साइड में भी बात करें तो वैसे ही हमें देखने को मिलेगा कि इस जो दोनों सरफेस है, यहाँ पर जो दोनों सरफेस है उसमें जो केमिकली रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में जो है वो नेगेटिव प्लेट्स की जो संख्या होती है वो N+1 होती है। यहाँ पर N जो है वो पॉजिटिव प्लेट्स की संख्या आपको बता रहा है। तो मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव प्लेट्स 3 है तो वहाँ पर नेगेटिव प्लेट्स कितनी होंगी, 4 होगी। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी कितनी है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पर अगर हम बात करते हैं
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर भी जो है वो बैटरी की कैपेसिटी डिफाइन की जाती है। और उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो है टेम्परेचर। यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर अगर एक्सेस हो जाता है किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी का तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है और प्रॉपर करंट आउटपुट हमें नहीं दे पाती है। तो टेम्परेचर भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वहाँ पर बैटरी की कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए, यानी कि उस पर भी जो है वो बैटरी कैपेसिटी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर यह तो बात हो गई कि बैटरी कैपेसिटी जो है वो किन चार पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि एरिया ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ प्लेट्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी को सीखने के बाद हम अब आगे बढ़ने वाले हैं बैटरी रेटिंग के बारे में, कि बैटरी के जो रेटिंग है वो किस तरह से बैटरी को रेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो दो स्टैंडर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि जो दो स्टैंडर्ड एजेंसीज है उसने जो बैटरी की रेटिंग्स है कुछ यहाँ पर हमें दिए हैं, तो वो हम आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के द्वारा, और सेकंड जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो है द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन बैटरी मैन्युफैक्चरर AABM, उसके द्वारा जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स हमें दिए गए हैं। तो हमारे पास जो बैटरी के कुछ तीन स्टैंडर्ड्स यहाँ पर हम सीखने वाले हैं आज, बैटरी के टोटल तीन स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो है 20 आवर्स रेटिंग इन एम्पियर आवर। यहाँ पर एम्पियर आवर जो है वो बैटरी को रेट करने के लिए यूनिट दिया गया है हमें, यानी कि बैटरी की रेटिंग को जो है वो एम्पियर आवर में दिखाया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं 20 आवर रेटिंग की, अगर बात करते हैं तो इट इंडिकेट्स द लाइट एबिलिटी ऑफ फुली चार्ज्ड बैटरी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्चार्जिंग द बैटरी एट अ करंट रेट इक्वल टू द 1/20th ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एम्पियर आवर रेटिंग। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 40 एम्पियर आवर की बैटरी है, यानी आपके पास 40 एम्पियर आवर की कैपेसिटी की बैटरी है, तो उसे जो है वो फुली चार्ज कंडीशन में अगर होगी तो वहाँ पर कांस्टेंट करंट आउटपुट के द्वारा उसे डिस्चार्ज किया जाता है। वहाँ पर उसे कांस्टेंट करंट आउटपुट के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है बाय करंट ऑफ डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 एम्पियर मिलेगा। तो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट जो है वो उसमें से डिस्चार्ज किया जाता है कंटिन्यूअसली 20 आवर्स तक। तो वहाँ पर जो आपको बैटरी की रेटिंग मिलेगी वो क्या होगी, 2 × 20 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगी 40 एम्पियर और उसकी रेटिंग। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द करंट अ बैटरी दैट कैन डिलीवर कंटिन्यूअसली फॉर 20 आवर्स, यानी कि जो कितना करंट जो है वो बैटरी हमें कंटिन्यूअसली 20 आवर्स तक दे पाती है। और वहाँ पर भी एक कंडीशन है कि जो सेल के वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं होने चाहिए 1.75 वोल्टेज से। तो यहाँ पर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। अगर आपकी जो बैटरी है वो 5 एम्पियर अगर आपको डिलीवर करके देती है 20 आवर्स तक कंटिन्यूअसली विदाउट सेल वोल्टेज नॉट ड्रॉप बिलो 1.75 वोल्ट, तो वहाँ पर उसकी जो रेटिंग होगी वो क्या होगी, 100 एम्पियर आवर, यानी कि 5 × अगर 20 करेंगे आप तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा 100 एम्पियर आवर। यहाँ पर ऑटोमोबाइल बैटरी कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय एम्पियर आवर रेटिंग। यहाँ पर बैटरी की कैपेसिटी जो है वो जनरली एम्पियर आवर में डिनोट की जाती है। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 एम्पियर फॉर 1 आवर, 1 एम्पियर फॉर 1 आवर जो है वो डिनोट करेगा। यहाँ पर ये तो बात हो गई 20 आवर्स रेटिंग के बारे में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम कोल्ड रेटिंग के बारे में। कोल्ड रेटिंग क्यों यूज़ किया जाता है किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में, कोल्ड रेटिंग जो है वो विंटर सीजन के लिए जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। विंटर सीजन में कोई सी भी ऑटोमोबाइल बैटरी जो है वो कितनी कैपेसिटी से काम कर पाएगी, यानी कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा, उसके लिए जनरली कोल्ड रेटिंग को यूज़ किया जाता है किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में। तो वहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी दैट कैन डिलीवर 300 एम्पियर एट 0 फेरनहाइट बिफोर द सेल वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो द 1 वोल्ट। दिस रेटिंग गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ कोल्ड वेदर स्टार्टिंग एबिलिटी ऑफ द बैटरी, यानी कि आपकी कार जो है वो मान लीजिए कोल्ड वेदर में है, तो वहाँ पर कोल्ड वेदर में कार को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग मोटर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ। तो वहाँ पर करंट जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, और विंटर की सीज़न में ज़्यादा टॉर्क चाहिए स्टार्ट करने के लिए कार। तो वहाँ पर ये जो कोल्ड रेटिंग है वो कैसे काम आएगा, यानी कि मान लीजिए आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें से जो है वो 300 एम्पियर का करंट जो है वो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं एट 0 फेरनहाइट बिफोर सेल वोल्टेज ड्रॉप्स, यानी कि सेल वोल्टेज जब तक 1.0 से ड्रॉप नहीं हो जाता तब तक जो है वो हम क्या करते हैं उसको जो है वो डिस्चार्ज करते रहते हैं 300 एम्पियर तक। तो यहाँ पर ये जो रेटिंग है वो विंटर में आपको बैटरी की परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 25 एम्पियर रेटिंग की। यहाँ पर 25 एम्पियर रेटिंग है वो जनरल सिनारियोज में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये समर के लिए यूज़ होता है या फिर विंटर के लिए, वो जनरल कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है 25 एम्पियर रेटिंग।
तो वहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि दिस रेटिंग मेजर्स द बैटरी परफॉर्मेंस एट अ मॉडरेट कॉन्स्टेंट करंट, यानी कि एक मॉडरेट कॉन्स्टेंट करंट जो है वो आउटपुट में लिया जाता है एट 80 फेरनहीट टू अ फाइनल लिमिटिंग वोल्टेज ऑफ 1.75 वोल्ट्स पर सेल। यहाँ पर सेल के जो वोल्टेज है 1.75 से कम नहीं होने चाहिए जब आप 25 एम्पियर रेटिंग कर रहे हैं तब। यहाँ पर दिस रेटिंग विल गिव्स द एबिलिटी ऑफ बैटरी टू कैरी द इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ व्हीकल लाइक इग्निशन लाइटनिंग एंड मोर व्हेन जनरेटर इज नॉट ऑपरेटिंग। यहाँ पर 25 एम्पियर रेटिंग जो है वो जहाँ पर जनरेटर अभी तक जो है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं आया है, यानी कि आपने जब है कार स्टार्ट ही की है तब जनरेटर जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल लोड अपने ऊपर नहीं ले सकता, तो वहाँ पर ये 25 एम्पियर रेटिंग जो है वो हमें यूज़फुल देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई बैटरी रेटिंग के बारे में, जिसमें हमने 20 आवर रेटिंग के बारे में सीखा, कोल्ड रेटिंग के बारे में सीखा और अंत में हमने 25 एम्पियर रेटिंग के बारे में भी सीखा। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बैटरी की लाइफ के बारे में और कौन से जो वो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं बैटरी की लाइफ को। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ बैटरी लाइफ के बारे में। तो बैटरी लाइफ जो है वो डिफाइन की जाती है द टाइम पीरियड ऑफ विच इट लास्ट फॉर सर्विस विदाउट एनी डैमेज, यानी कि कोई सी भी जो ऑटोमोबाइल बैटरी है वो पूरी की पूरी जो अपनी कैपेसिटी है उसके साथ वर्क करके हमें देती है विदाउट एनी डैमेज, तो उसे जो है वो हम बैटरी की लाइफ के द्वारा डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करता हूँ बैटरी लाइफ इज़ रिड्यूस्ड बाई दी ओवर चार्जिंग दैट कैन अकर ड्यूरिंग दी चार्जिंग प्रोसेस एंड रीजन बिहाइंड दी ओवर चार्जिंग कैन बी, यानी कि कोई सी भी ऑटोमोबाइल बैटरी जो है वो बर्बाद होने का यानी कि डैमेज होने का मेन जो रीज़न है वो है ओवर चार्जिंग। जब आप उस बैटरी को चार्जिंग प्रोसेस में ओवर चार्ज कर देते हैं यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अगर आप पुश करते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में ड्यूरिंग दी चार्जिंग प्रोसेस, वहाँ पर जो है वो बैटरी डैमेज होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो वहाँ पर ओवर चार्जिंग के पीछे क्या क्या रीजन्स है वो आप देख सकते हैं कि फॉल्टी जनरेटर कंट्रोल्स, यानी कि जो जनरेटर के कंट्रोल्स है जिससे हम वोल्टेज और करंट रेगुलेट करते हैं ड्यूरिंग दी चार्जिंग प्रोसेस, तो वहाँ पर वो जो है वो आपका बिगड़ गया है। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ओवर चार्जिंग करेंगे तो वहाँ पर गैसिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी क्योंकि वाटर की जो मात्रा है वो वहाँ पर कम हो रही है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है वो भी जो प्लेट्स है आपकी उसको डैमेज कर सकता है। उसके बाद में देखते हैं रिड्यूस्ड वाटर लेवल ऑन साइड दी बैटरी, यानी कि जो वाटर लेवल है वहाँ पर वो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ बबल। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इफ़ बैटरी इज़ कंटिन्यूअसली अंडर चार्ज, अंडर चार्ज कंडीशन किसे कहा जाता है कि ड्यूरिंग दी चार्जिंग प्रोसेस अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी को जितना करंट उसे चाहिए चार्ज होने के लिए उससे अगर कम करंट में चार्ज कर रहे हैं या फिर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस जितना भी करंट आपको लेना चाहिए उससे अगर आप कम करंट ले रहे हैं किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में से, यानी कि आउटपुट में जो जितना करंट मान लीजिए 2 एम्पियर तक का करंट जो है वो कॉन्स्टेंट वो दे सकती है बैटरी, तो अगर आप 1.5 एम्पियर कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं उस बैटरी में से तो उसे जो है वो हम कहेंगे अंडर चार्जिंग। तो यहाँ पर अंडर चार्जिंग क्या करेगा, एक्टिव प्लेट्स जो है उसके ऊपर सल्फेटेशन हो जाएगा, सल्फेटेशन यानी कि उसके ऊपर जो है वो वाइट कवरिंग हो जाएगी सल्फेट की, यानी कि सल्फेट जो है वो PbSO4 कहा जाता है उसे, तो वहाँ पर PbSO4 जो है वो प्लेट्स के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग दी अंडर चार्जिंग प्रोसेस। और लॉन्गर स्पान में क्या होगा कि दैट कॉज लॉस ऑफ एक्टिव मटेरियल्स यानी कि जो प्लेट्स के ऊपर अगर वो जमा हो जाता है तो सरफेस एरिया जितना चाहिए केमिकली रिएक्ट करने इलेक्ट्रोलाइट के साथ तो वहाँ पर वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। वहाँ पर प्लेट्स का कई बार हमें बकलिंग और ब्रेकिंग भी देखने को मिलता है अगर हम लंबे समय तक उसे ठीक नहीं करते हैं तो। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अगर फ्रीज हो जाता है किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में तो बैटरी लाइफ आपकी मानो ख़त्म ही हो गई, यानी कि किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में अगर इलेक्ट्रोलाइट फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर तो वहाँ पर वो जो बैटरी है वो अब यूज़ नहीं की जा सकती और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी और टेम्परेचर का रिलेशन डिटेल में जो है वो स्टडी करना है तो आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 3 को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि क्यों जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद में जो हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बैटरी लाइफ, वहाँ पर जो है वो हमें कई सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बैटरी के परफॉर्मेंस या फिर बैटरी की जो लाइफ है उसके ऊपर। तो वहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है जैसे हमने बात की वो है ओवर चार्जिंग। तो यहाँ पर ओवर चार्जिंग कैसे जो है वो हार्मफुल रहता है वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओवर चार्जिंग जनरेट्स दी एक्सेसिव गैस बबलिंग विच विल टेंड टू वॉश दी एक्टिव मटेरियल फ्रॉम दी प्लेट्स एंड कैरी मॉइस्चर एंड एसिड फ्रॉम द सेल एज अ फाइन मिस्ट। अगर यहाँ पर इस पॉइंट को मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो वहाँ पर ड्यूरिंग दी ओवर चार्जिंग प्रोसेस वाटर जो है
वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वेपर फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो वेपर पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली स्टिक हो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट या फिर नेगेटिव प्लेट के ऊपर। परंतु वहाँ पर स्टिक होने की वजह से अगर यहाँ से जो है वो वाटर पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, यानी कि प्लेट्स के ऊपर से जब भी वाटर पार्टिकल्स रिमूव होते हैं तो अपने साथ जो है वो थोड़ा सा मटेरियल अपने साथ ही ले जाते हैं। यहाँ पर उसे जो है वो फाइन मिस्ट कहा जाता है, यानी कि जब भी वाटर पार्टिकल्स अपने साथ थोड़ा सा मटेरियल पॉजिटिव प्लेट का एक्टिव मटेरियल ले जाते हैं तो उसे जो है वो फाइन मिस्ट के नाम से देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे से अगर ओवर चार्जिंग बढ़ता जाएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव प्लेट्स के ऊपर से जो एक्टिव मटेरियल है वो डिक्रीज होता जाएगा, तो वहाँ पर प्लेट का जो है हमें डिटेरियोरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस वजह से जो है वो ओवर चार्जिंग यहाँ पर हमको नहीं करना चाहिए। ओवर चार्जिंग क्रिएट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, लीव्स द एसिड मोर कॉन्सेंट्रेटेड, एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज हार्मफुल टू द सेपरेटर्स। नेगेटिव प्लेट्स मटेरियल एट अ हायर टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट बर्न एंड ब्लैकन द सेपरेटर एंड नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई पॉजिटिव प्लेट के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूँ कि ओवर चार्जिंग के कारण क्या होगा कि वाटर का जो पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से जो एसिड की मात्रा है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, यानी कि जो डाइल्यूटेड H2SO4 था वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको पता ही है कि वो जो है वो डायरेक्टली डिजोल्व कर लेगा कोई सी भी मेटल को अपने अंदर। तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा सेपरेटर्स को और नेगेटिव प्लेट्स को। और वहाँ पर क्या होगा कि अगर वहाँ पर लंबे समय तक हम ऐसे ही होने देते हैं तो देट विल बर्न एंड ब्लैक एंड दी सेपरेटर एंड नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पर नेगेटिव प्लेट एंड सेपरेटर जो है वो ब्लैक भी हो सकते हैं, यानी कि उसके कलर में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, या फिर वो टूट सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं हाई इंटरनल हीट ड्यू टू ओवर चार्जिंग विल एक्सलरेट द कोरोजन ऑफ द पॉजिटिव प्लेट्स एंड ऑल्सो डैमेजेस द सेपरेटर। यहाँ पर इंटरनल हीट जो है वो हाई होने की वजह से, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट पुश कर रहे हैं ऑटोमोबाइल बैटरी में, तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उसकी वजह से जो पॉजिटिव प्लेट है उसमें जो कोरोजन के चांसेस है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो है वो डायरेक्टली डैमेज कर सकते हैं पॉजिटिव प्लेट एंड सेपरेटर्स को। उसके बाद में हम बात करते हैं व्हेन चार्जिंग करंट इज एक्सेसिव देन इट विल फोर्स द लिक्विड आउट ऑफ द सेल एंड इट विल कोरोड द केबल्स एंड अदर वाइटल इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड ऑल्सो इंजिन पार्ट्स। वहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर करंट की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, बहुत एक्सेसिव करंट अगर आप पुश करते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक्सेसिव बबलिंग जनरेट होने की वजह से आपका जो लिक्विड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या हो जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा सेल में, यानी कि सेल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेल के बाहर आ जाएगा, तो वहाँ पर जो केबलिंग होगी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, अदर वाइटल जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है वो भी जो है वो बिगड़ सकते हैं, और डायरेक्टली वो कोरोड करते हैं इंजन के कुछ पार्ट्स को भी जो है वो डायरेक्टली कोरोड कर सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर उसके बाद में हम बात करते हैं अंडर चार्जिंग के बारे में। अंडर चार्जिंग जो है वो हम बात करेंगे, अ बैटरी ऑपरेटेड इन अ अंडर चार्ज स्टेट कंडीशन इज नॉट ओनली अनेबल टू डिलीवर फुल पावर बट इट विल फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में मान लीजिए वो 2 एम्पियर जो है वो कॉन्स्टेंट करंट आउटपुट आपको दे रही है, यानी कि उसकी कैपेसिटी है कि वो 2 एम्पियर करंट जो है वो आपको कांस्टेंट दे सकती है। तो वहाँ पर अगर आप क्या करेंगे कि 1.5 एम्पियर ही अगर आप उससे कांस्टेंट मॉडरेट कांस्टेंट करंट जो है वो ले पाते हैं, तो यहाँ पर ये जो स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर चार्जिंग, यानी कि आप जो है वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे कम कैपेसिटी का करंट जो है वो आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की कम हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से जो विंटर की सीज़न आएगी जब, तो वहाँ पर हमें बैटरी जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी आपकी। यहाँ पर अगर मैं आपसे सेकंड पॉइंट डिस्कस करूँ तो जो लीड सल्फेट फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव प्लेट के ऊपर वो जो है वो रिलेटिवली इनसोल्यूएबल है आपके इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अबोव होती है 1.125। तो यहाँ पर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सबसीक्वेंट चार्जिंग कन्वर्ट्स दिस क्रिस्टलाइन डिपॉजिट टू क्रिएट द फिल्म ऑन मेटालिक लीड विच में शॉर्ट सर्किट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स थ्रू द एरियाज ऑफ सेपरेटर दैट अफेक्ट। यानी कि जो है आपको पता ही है कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो है वो सेपरेटर लिखा जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट वहाँ पर प्रिवेंट कर सके। परंतु अगर यहाँ पर लीड सल्फेट जो है वो एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है, अगर उसकी जो फिल्म अगर चढ़ जाती है किसी भी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाएगा सेपरेटर के साथ, और सेपरेटर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में हमें शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगी, वो जो है वो रिजल्ट करेगा पुअर बैटरी लाइफ की ओर।
तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ फाइनल पॉइंट की ओर, तो फाइनल पॉइंट जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपके साथ यहाँ पर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो आपको लो सेल वोल्टेज आउटपुट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग दी चार्जिंग प्रोसेस। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी को आइडल नहीं रखना चाहिए जब तक उसमें जो है वो 75% डिस्चार्ज कंडीशन में हो, यानी कि आपकी जब बैटरी 25% चार्ज स्टेट में है, तो उसको ज़्यादा समय तक जो है वो हमें आइडल कंडीशन में नहीं रखना चाहिए, वरना जो है वो बैटरी लाइफ आपकी डिक्रीज हो जाएगी या फिर बैटरी डैमेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई अंडर चार्जिंग की। उसके बाद में हम बात करते हैं लैक ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की कमी किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में। वाटर इज़ दी वन ऑफ द एसेंशियल कॉम्पोनेंट इन द मेन फोर कॉम्पोनेंट इन दी बैटरी, यानी कि बैटरी के जो चार मेन कॉम्पोनेंट है उसमें पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हुआ हुआ वाटर। तो यहाँ पर बात करते हैं कि वाटर इज ओनली कॉम्पोनेंट विच विल लॉस्ट ड्यूरिंग दी चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग प्रोसेस को दौरान मैंने जैसे आपसे कहा कि ड्यूरिंग दी ओवर चार्जिंग या फिर चार्जिंग प्रोसेस, नॉर्मल चार्जिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है वो वाटर जो है वो वेपराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी में हमें कमी देखने को मिलेगी ड्यूरिंग दी चार्जिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे सेकंड पॉइंट की बात करूँ, इफ लिक्विड लेवल फॉल्स डाउन टू द टॉप ऑफ द सेपरेटर दैट इट शुड इमीडिएटली रिप्लेस्ड। इफ वाटर इज नॉट रिप्लेस देन प्लेट्स आर सूनर टू बी एक्सपोज टू द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दैट विल डिसइंटीग्रेट द सेपरेटर एंड मे परमानेंटली सल्फेट एंड इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेट। यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है कि अगर वाटर लेवल जो है वो सेपरेटर के टॉप से, यानी कि टॉप ऑफ द पोर्शन से अगर नीचे आ जाता है वाटर लेवल, तो जल्दी से जल्दी आपको वाटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप वाटर को रिप्लेस नहीं करते हैं एज सून एज पॉसिबल, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगा हमारी पॉजिटिव प्लेट के साथ, हमारे एक्टिव मटेरियल के साथ, तो वहाँ पर हमें परमानेंटली सल्फेटेशन देखने को मिलेगा और दैट विल इम्पैक्ट दी परफॉर्मेंस ऑफ दी बैटरी। तो उसे रोकने के लिए हमें वाटर का जो लेवल है वो हमें प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में ड्यूरिंग दी चार्जिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग दी डिस्चार्जिंग प्रोसेस ऑल्सो। उसके बाद में मैं बात करता हूँ एक्सेसिव लोड के बारे में। अ बैटरी शुड नेवर बी यूज्ड टू प्रोपेल द कार बाय द यूज ऑफ स्टार्टिंग मोटर व्हेन द क्लच इज एंगेज कंडीशन एक्सेप्ट इन द ग्रेट इमरजेंसी। यहाँ पर आपसे बात की गई है कि अगर आपकी कार का जो क्लच है वो एंगेज कंडीशन में है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है वो सेल्फ नहीं लगाना चाहिए, यानी कि जब आप सेल्फ लगाते हैं ड्यूरिंग द क्लच इज इन द एंगेज पोजिशन, तो वहाँ पर क्या होगा कि स्टार्टिंग मोटर को जितना टॉर्क चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल टॉर्क चाहिए, उससे वो ज़्यादा टॉर्क जो है वो उसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका क्लच जो है वो एंगेज कंडीशन में है, तो उसकी वजह से ज़्यादा टॉर्क क्रिएट करेगी हमारी स्टार्टिंग मोटर। तो यहाँ पर ज़्यादा टॉर्क की वजह से बैटरी जो है वो ज़्यादा करंट डिस्चार्ज करेगी अपने अंदर से, तो वहाँ पर क्या होगा एक्सट्रीमली हाई इंटरनल बैटरी टेम्परेचर, वहाँ पर बैटरी का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा और वो डायरेक्टली स्टार्टिंग मोटर को भी डैमेज कर सकता है और उसकी जो प्लेट्स है उसको भी डैमेज कर सकता है। यानी कि बैटरी को जो है वो डायरेक्टली हमें कार को प्रोपेल करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग दी स्टार्टिंग प्रोसेस। यहाँ पर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक के बारे में। फ्रीजिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल ऑल्सो अफेक्ट दी बैटरी लाइफ एंड हाउ दैट विल अफेक्ट दी बैटरी लाइफ लेट्स सी। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एन बैटरी इन अ वेरियस स्टेज ऑफ चार्ज विल स्टार्ट टू फ्रीज एट अ टेम्परेचर इंडिकेट्स बिलो। यानी कि यहाँ पर जो अगर आपको टेबल दिखाया गया है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर उस स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती जाती है उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका इंक्रीज होता जाता है। यानी कि कम से कम टेम्परेचर में यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.280 है, यानी कि ज़्यादा है, तो वो -71 डिग्री सेल्सियस के पास जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट होगा। वहीं पर मैं अगर आपसे बात करता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.100 के बारे में, तो वहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो -7 डिग्री होगा, यानी कि -7 डिग्री पर ही जो है वो डायरेक्टली वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसे दिखाया गया है, द गिवन टेम्परेचर इंडिकेट्स द अप्रोक्सीमेट पॉइंट वेयर द फर्स्ट आइस क्रिस्टल बिगिंस टू अपियर इन द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में फर्स्ट आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा, तो वहाँ पर उस पॉइंट को जो है वो एज अ अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर पॉइंट लिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मे क्रैक दी कंटेनर। यानी कि अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट आपका सॉलिड हो जाता है, यानी कि उसका जो लिक्विड स्टेट था उसमें से वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, वो क्रैक कर सकता है कंटेनर को और दैट विल डैमेज दी पॉजिटिव प्लेट्स।
यहाँ पर वो जो है वो पॉजिटिव प्लेट को भी डैमेज कर सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं टू अवॉइड दी फ्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और 3/4 चार्ज बैटरी इज नो लॉन्गर डैमेज फ्रॉम फ्रीजिंग। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि कोई सी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में अगर 75% जितना चार्ज अवेलेबल है तो वहाँ पर हमें फ्रीजिंग जो है वो इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पर जो है वो हम सेफ कंडीशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि फ्रीजिंग को जो है वो रोकने के लिए 75% जो है वो बैटरी आपको चार्ज रखनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सीखा। वहाँ पर हमने बैटरी रेटिंग के बारे में सीखा, बैटरी लाइफ के बारे में भी सीखा, उसमें कौन से जो फैक्टर्स है वो डायरेक्टली बैटरी लाइफ को अफेक्ट करेंगे, कितने ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।